मंगलवार को नुहू जिले में कोरोना का एक नया केस सामने आया है। मंगलवार को नया केस तावड़ू शहर में सामने आया। गत सोमवार शाम को जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन में 5 नए केस मिले हैं। पेनगवा, तावड़ू, पुनहाना में नए केस सामने आए हैं, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। इसके अलावा नुहू स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2 मरीजों को आज डिस्चार्ज भी किया गया है। अभी तक नुहू जिले में कोरोना से किसी की जान नहीं गई है। जिले में नए केसों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करने में नुहू स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है। यह बात डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने दी। उन्होंने कहा है कि इस समय नलहड़ मेडिकल कॉलेज में 7 मरीज के अलावा 13 लोगों को घर एकांतवास, 4 मरीज जिला कोविड केयर सेंटर माडीखेड़ा में 2 मरीजों को रखा गया है। आपको बता दें कि नुहू में करीब 8,894 लोगों को सर्विलांस पर रखा गया, जिनमें से 7,797 लोगों का सर्विलांस पीरियड पूरा हो चुका है। अब सर्विलांस पर 1,197 लोग रखे गए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने अब तक 7,883 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेजे गए, जिनमें से 7,582 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है तथा 192 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। 162 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार डिप्टी सिविल सर्जन ने कहा है कि जिले में अब 30 एक्टिव केस हैं। अभी 91 लोगों के सैंपल की रिपोर्ट आना बकाया है। आप देख रहे हैं नुहू से लियाकत अली की रिपोर्ट। अब तक के जो हमारे टोटल केस हुए हैं 192, 192 हमारे केस हो गए हैं। डिस्चार्ज या रिकवर जो हमारे 162 हो गए हैं, 2 आज हुए हैं, और जो टोटल एक्टिव केस हैं आज का एक केस मिलाकर 30 है। कल शाम को हमारे 5 केस आए थे, जिसमें से एक बच्चा है 12 साल का, जो मांडीखेड़ा में पुनहाना से बिलोंग करता है और नगड़ में दाखिल है किसी और बीमारी से। 1-2 केस पिनगवा से हैं, जिन्होंने फरीदाबाद में टेस्ट कराए थे। एक पहले का कॉन्टैक्ट है जो सुरेंद्र था वहाँ पे, और इसके अलावा एक प्रिजनर है जो हमारे पास मांडीखेड़ा में एडमिट था, इसका सैंपल हुआ था, ये पॉजिटिव है, और एक तावड़ू से है। आज वाला जो केस नया है ये भी तावड़ू से ही है, ये दूध का काम करता है और मेडिकल स्टोर है इसका। दूध का काम तो जो कल वाला था वो करता है, ठीक है। इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कल वालों की तो हो गई है, जो आज वाले की अभी SMO साहब को बोल दिया वो हो जाएगी, सैंपलिंग हो जाएगी इनकी। सर कितने लोग हैं कॉन्टैक्ट में और दूध का काम करने वाले के व्यक्ति की जाहिर सी बात है तो दुकान है इसकी। अब दुकान पे तो बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, उन चीज़ों की लाइन लिस्ट तो तैयार नहीं की जा सकती। फिर 14 दिन से पता नहीं कितने लोग आए होंगे, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है अब हम विस्तार से करें या ना करें, लेकिन अब आप देखो कोई भी हमारे में से कोई पॉजिटिव आ जाता है तो वो हज़ारों लोगों से मिल लेता है 14 दिन में। हम हज़ारों लोगों को नहीं उठा सकते, आप बात समझते हो।